वाह हंस रहे थे, बहुत क्यूट लग रही है, किसी की नजर ना लगे। मेरा कहानी सुन सुन लेगा तो सब पता नहीं क्या हो जाएगा। हो दुल्हा को देखो, दुनिया को कैसे देख रहे हैं। Hey guys, good morning, welcome to Mamta Acharya vlog. Guys, आप लोग कैसे हो? I hope आप लोग ठीक ही होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज आज फिर से मेरा हॉलीडे है, क्योंकि ये बॉस को गुस्सा आया कि ये ना कैमरा में देख के ना बोलती रहती है, पापा पापा करती रहती है, ऐसे मैंने ले लिया। मम्मी भी बोल रही थी तुम बार बार हॉलीडे क्यों ले रही है। मैंने मम्मी को समझाया कि मेरा हॉलीडे 4 दिन का होता है, पहले तो मैं 3 दिन का लेती थी तो मम्मी को इतना पड़ताल नहीं चलता है, अभी मैं 4 दिन का लूंगी। आज मम्मी की भी हॉलीडे है और सोनिया की भी हॉलीडे है, तो हम लोग आज क्यों छुट्टी ले रहे हैं, हम लोग इसलिए ले रहे हैं, हम लोग सोनिया के शादी के कपड़े देखने के लिए जाने वाले हैं। सो इसलिए गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले हम लोग जाएंगे प्लैटिनम मॉल की, ये रहा टिफिन पहुँचाने के लिए सोनू शिव और मीनुका की। तो गाइस मम्मी बोल रही है मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ आज, मैंने टी शर्ट चेंज किया कि मम्मी को अच्छी नहीं लगी। ये मीनुका की टॉप है, मीनुका को पता चल जाएंगे तो मीनुका मुझे डांटेंगी ज़रूर, फिर भी मैंने पहन लिया क्योंकि मुझे दाल खाने की आदत है। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं प्लैटिनम मॉल, पहले ये टिफिन जाके पहुँचाना है, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। सोनिया भी वहीं पर वेट कर रही है प्लैटिनम मॉल पर, तो सोनिया को भी साथ साथ लेके जाएंगे। मम्मी पीछे ओके आ जाओ। मम्मी और शिव की मम्मी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई पूजा को मिलने के लिए। फूजी हाय कर दो। अभी हम लोग यहाँ पर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं, मैं आगे सीट में बैठी हूँ, मम्मी और सोनिया पीछे वाली सीट में। गाइस सोनिया तो अभी से रो रही है, देखो कमल कर, जब जब तुम्हारा बारी आएगा ना तो समझेगी तू। लो 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 रो रही है, ये तो क्या हो गया? अभी से रो रही है। मत रोना, मेरा आंखों में भी आंसू आ गया है। देखो मम्मी को रख के जाने से क्या होगा। हाँ अभी तो शादी भी नहीं हुआ है, सिर्फ कपड़े देखने के लिए जा रहे हैं, रो पड़े। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा दूर है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं कपड़े, देखो कपड़े के शॉप। ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है, ये हल्दी के दिन हाँ हल्दी के दिन यही लगाएंगे। गाइस बताओ सोनिया इस लहंगा में सुंदर लग रही है या इस पे, इस कलर पे? मुझे तो ये अच्छा लगा सा, पर ये थोड़ा सिंपल जैसे है ना। को देखो राजस्थान जा रही है, राजस्थान जा रही है। हमारे मम्मी को ये ज्यादा पसंद आ रहा है, ये वाला कलर। आप लोगों को कैसे लग रहा है गाइस, कमेंट में जरूर बता देना है ना। हाँ ये कलर भी अच्छा है, तुमको वो नहीं पसंद है ना? नहीं कलर ये पसंद है, लेकिन ये डिजाइन, ये जो है ना ये डिजाइन थोड़ा सिंपल लग रहा है मुझे। नहीं सिंपल ही पहनना चाहिए, सिंपल ही पहनना चाहिए मुझे, जो है ना डिजाइन थोड़ा अलग हटके चाहिए था। हटके नहीं ये अच्छा है, कि तुमको बताया मतलब ठीक के को लगा ना सुनिया। हाँ शिप शिप पहनने वाले ऐसे है क्या वाइट? अच्छा ऊपर से वो आएगा ना। मुझे तो शिप के कपड़े देखे ऐसे आ रहे नहीं नहीं चाहिए वो वाला, दूसरा चेंज करके देखेंगे। ये शिप के लिए है, ये कलर बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। मम्मी को कौन सा पसंद है? शिप के लिए तो पसंद कर दिया। हाँ शिप के लिए पसंद कर दिया मम्मी ने, ये शिप के लिए कपड़ा नहीं मिला, दूल्हा के लिए कपड़ा मिला। सोनिया ने अभी तक फाइनल नहीं किया है क्या है? मुझे ये डिजाइन ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ये कलर भी लेते ही मुंह बरो रही है। मम्मी को वो पसंद है, वो कलर। कौन सा कलर? वो कलर मतलब ओके ओके है, अच्छा नहीं, इतना अच्छा ऐसे नहीं है, वाव नहीं है, ओके ओके है। अभी दूसरा वाला चेंज करने वाली है, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है सच्ची में, बहुत ज्यादा सुंदर। दिखाती हूँ आप लोग को मेरा कपड़ा, बता दी देखो, वाह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। कौन सी हीरोइन दीदी? दिव्या भारती। दिव्या भारती, वाह दिव्या भारती जैसे दिख रही है, वाह हंस रहे थे, बहुत क्यूट लग रही है, किसी की नजर ना लगे। हल्दी के लिए लहंगा तो हो गया है गाइस फाइनली, अभी शादी के लहंगा दिख रही है। खोलो वाह बहुत सुंदर लग रही है सा, देखो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तुम्हें कलर पसंद नहीं आया? पसंद तो है, ये दीदी बोल रही है मुझे पे जच नहीं रहा ये कलर।
गाइस मेरी बहन कितना सुंदर लग रही है, ओह माय गॉड। आप लोग बताना पीछे वाली ड्रेस और इस वाली ड्रेस में कौन से ड्रेस में ज्यादा सुंदर लग रही है सोनिया। ओके अभी 1 2 3 ओके वाह खोलो ऐसे थोड़ा सा। हाँ वाह ये दूसरा है, ये शिव की तरफ से देने वाला चीज है, दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा मम्मी ट्राई कर रही है, मैं इंतजार कर नहीं पा रही, बहुत ज्यादा भूख लग रही है इसलिए मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ। मम्मी आप क्या खाओगे? ठीक है देखिए लेके आ दूंगी। कुछ खाने के लिए देखने आया था, कुछ भी नहीं है इसलिए मामा ही खा रही हूँ, मैं भी मम्मी की जैसे बच्चा की मामा ही है। मम्मी को देखो गाइस जूली बंदा नहीं। तो सोनिया का तो फाइनली सब कुछ हो गया है, मेरी भी हो गया, मिनुका की भी हो गया, मम्मी का नहीं हुआ, सिर्फ मम्मी का हल्दी वाले दिन का ही हुआ, शादी वाला दिन का अभी तक नहीं हुआ। वो भी दीदी ऑर्डर करने की, वो दीदी है ना बहुत अच्छी है ना सुनिया। सबको ये दीदी के पास आने के लिए बोलेंगे। हाँ क्योंकि है ना बहुत अच्छी है और डिस्काउंट भी अच्छी देती है, बहुत पेशेंट है ना, सब कुछ ट्राई करने के लिए देती है हम लोगों ने। अच्छा बात ये है कि पेशेंट है, डिस्काउंट करने से भी पहले बहुत अच्छा है, वो पेशेंट है, बहुत पेशेंट है। उनका भी रो रही है, क्यों रो रही है? रो लिया खत्म हो गया टिश्यू इधर है। क्यों रोई तू? ऐसा ही कुछ आंसू नहीं निकल रहा था तो मैंने निकाल लिया। आंसू छुप के बैठी है, मैंने आज तो निकाल के रही। मेरा कहानी सुन लेगा तो सब पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग वापस से देखने के लिए जा रही है, शिप भी ट्राई करना चाहते हैं इसलिए ये हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं यहाँ पर इस बार शिव के साथ। मम्मी घर पे ही है अभी, क्योंकि शिव भी कपड़े ट्राई करेगी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ओके हो दुल्हा को देखो, सोनिया को कैसे देख रहे हैं? दुल्ली की बहन नहीं, दुल्हन की बहन। वाह साजन जी घर आए। गाइस देखो कौन सा ज्यादा सुंदर लग रहा है बताओ, कमेंट में जरूर बता देना। ओके अच्छा लग रहा है शिप ये भी, पर मुझे येलो ज्यादा पसंद है। देखो शिप है ना मेरा सपना को पूरा कर दिया है, मैंने इसको बोला इंडिया जैसे शादी करो, इंडिया जैसे करो, फाइनली वो ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही ड्रेस ले रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक बार तैयार होने दो उसके बाद दिखाती हूँ। ये बताना जरूर ये दोनों कैसे लग रही है साथ में। ओके फ्रंट कैमरा नहीं चला है। तो पूरा शॉपिंग होने के बाद दीदी हम लोग को यहाँ पर नूडल्स खिला रही है, तो हम नूडल्स खाएंगे। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। यहाँ हमारे नूडल्स 12 बज चुका है, अभी हम लोग घर लौट के जा रहे हैं। बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लिया है गाइस, बहुत ज्यादा पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हो गया है। ओ माय गॉड एक शादी होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो शिव तो आगे बढ़ चुका है। गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं 1 बजे, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।